केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ऑल इंडिया यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र के नेतृत्व में शुक्रवार को बीएसएनएल कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भोजनावकाश के समय बीएसएनएल के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 5 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में विद्या पांडे, राजेश सिंह, नित्यानंद मिश्र, वशिष्ठ सिन्हा, ओम नारायण सिंह, महेंद्र यादव, जेपी शर्मा, भूपेन्द्र श्रीवास्तव, जेपी नारायण सहित अन्य कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल यूनियन एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने कहा, अरे हर जो है जुर्म के चक्कर में, नित्यानंद मिश्रा, सरकार हमको 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे रही है। हम 4G स्पेक्ट्रम के लिए लगातार 2017 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीएसएनएल के पूर्णोद्धार के लिए, बीएसएनएल के डेवलपमेंट के लिए हमको 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम न देके सरकार हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर कुठाराघात करने जा रही है, BRS स्कीम लागू करने जा रही है। इस BRS स्कीम को लागू करने के लिए मोदी सरकार इतनी उतावली है कि उसने चुनाव आयोग से अभी परमिशन लिया है और आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। उसी कैबिनेट की बैठक में BRS का आज प्रस्ताव ये लोग पास करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं। इसको लेकर के पूरे देश में हम BRS का विरोध करते हुए पूरे देश के BSNL के कर्मचारी और अधिकारी आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना BRS स्कीम अपना तुम वापस लो और BSNL के सर्वाइवल के लिए हमें 4G स्पेक्ट्रम दो और हम लोगों का वेज रिविजन करो। इसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम लंच आवर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आज जोर शोर से चल रहा है।